हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, ये चावल है, ये दो प्रकार की दाल मिक्स कर दी हूँ मैं। तो फ्रेंड, आज मैं खिचड़ी बनाऊँगी। कैसे बनाती हूँ चलिए देखते हैं। दाल, चावल और दाल को मैंने मिक्स करके पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दूँगी। तब तक मैं अपना ये सब्जी रेडी कर ली हूँ। इसमें गोभी, मटर और आलू है थोड़े से, और ये तड़के में डालूँगी प्याज, लहसुन और मिर्च। दोस्तों, ये कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें थोड़ी सी मैं जीरा डालूंगी। तेल गर्म हो जाए तब तक ये मैंने जीरा डाल दिया है, और बाकी के प्याज लहसुन भी डाल देती हूँ जब जीरा तड़क जाए उसके बाद। अब इनको थोड़ी देर भुनने के बाद मैं इसमें बाकी की सब्जियां भी डाल दूंगी। तो ये मेरा ब्राउन कलर हो गया है, इसमें मैं अपनी सब्जियों को भी थोड़ी देर भून लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें चावल और जो दाल रेड किए हैं उसको डालना है। इसमें मैं अब सब्जियों को डाल के थोड़ी सी भी भून लेती हूँ मसालों को मिला के। तो ज़्यादा मैं इसमें मसाले यूज नहीं करूँगी, बस तो इसमें हल्दी और धनिया ही डालूँगी और नमक का प्रयोग करूँगी, क्योंकि ये खिचड़ी बन रहा है पुलाव नहीं। तो इसमें नमक भी डाल देती हूँ और बाकी धनिया और हल्दी डाल देती हूँ। इनको डाल के अच्छे से 2 मिनट के लिए भून देती हूँ। फिर मैं चावल इसमें मिक्स कर दूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरी ये खिचड़ी कैसी बनी है। मेरी सब्जी रेडी हो गई, तो इसमें चावल मैं डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके फ्रेंड इसमें हम पानी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा गीली खिचड़ी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालिए, मुझे ज़्यादा गीली नहीं चाहिए, तो इसमें उसी हिसाब से पानी डालेंगे। थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा है, अभी पकने के लिए भी टाइम लगे। फ्रेंड, ये नया चावल है तो ये चावल थोड़े से टाइट हो जाते हैं, तो ज़्यादा गीली है तो बन नहीं पाएगी। थोड़े से मैं और पानी डाल के इसे ढक के रख दूँगी, और 10 मिनट के ढक के लिए ढक के रख दूँगी। और फिर ये जब रेडी हो जाएगा तब इसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब तक मेरा खिचड़ी तैयार होता है तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। तो मैं टमाटर की चटनी बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो ये मैंने टमाटर को भून लिया है, और मैं मिक्सर में लहसुन और 3 लहसुन की कलियाँ हैं, और 3 मिर्च और धनिया के पत्ते डाल दूँगी, और मेरे टमाटर, इसमें नमक, बस इतना ही कुछ डालना है दोस्तों। ये मेरे टमाटर हैं और इसमें नमक डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये मेरा चटनी रेडी है, और चटनी के साथ मुझे खिचड़ी खाना बहुत पसंद है। आप भी ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मेरा खिचड़ी भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड, मेरा खिचड़ी और चटनी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।